नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में, जब तक कि हमारी कंट्री चलती रहेगी दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड में काम होता रहेगा। और आप लोगों को जैसे पता है दोस्तों, हमारा जो ये एग्रीकल्चरल फील्ड है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। और साथ ही साथ जब तक हमारी इकोनॉमी चलती रहेगी, तब तक ये स्टॉक दोस्तों चलता रहेगा। और जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा, इस स्टॉक ने दोस्तों सेंसेक्स से 5 गुना ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स से 5 गुना ज़्यादा रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसने रिटर्न दिए थे। बहुत अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो ये कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इसी कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों किस कंपनी के जो रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था, यहां मैंने 1 साल का चार्ट लगाया है। 1 साल में दोस्तों, इस कंपनी का नाम भी आप लोगों को बता देता हूं। इस कंपनी का नाम है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। 1 साल में दोस्तों इस कंपनी ने दिए हैं लगभग 36% के रिटर्न। वहीं हमारे सेंसेक्स ने दिए हैं दोस्तों -13% के रिटर्न, लगभग -14% के रिटर्न दिए हैं। तो आप लोगों को कंपेयर करके पता लग रहा होगा कि कितना स्ट्रांग ये बिजनेस है दोस्तों। सारी कंपनियां अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रही हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि अपने 52 वीक के क्लोज ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो इसी कंपनी के बारे में आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं दोस्तों इस कंपनी का 3 सालों का डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। 3 सालों में हमारे सेंसेक्स ने दिए दोस्तों +12% के रिटर्न, और इस कंपनी ने कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने दिए हैं दोस्तों +70% के लगभग रिटर्न, यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं दोस्तों इस कंपनी ने, सेंसेक्स से कंपेयर किया जाए तो। आप लोगों को पता है दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर ये कहते हैं कि लंबे टाइम में सेंसेक्स को या जो इंडेक्स होता है उस इंडेक्स को डिफीट कर पाना, उस इंडेक्स को ओवरबीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी ने केवल बीट ही नहीं किया है, बल्कि सेंसेक्स से 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिए हैं हम लोगों को, या जितने भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता दोस्तों। 10 साल का रिटर्न देख लेते हो दोस्तों, कंपेयर कर लेते हैं सेंसेक्स के साथ। तो 10 साल का जो रिटर्न है दोस्तों, थोड़ा सा स्लो है दोस्तों यहाँ पे नेट अभी। सेंसेक्स ने दोस्तों 10 सालों में दिए हैं मात्र 91% के रिटर्न, और इस कंपनी ने दिए हैं दोस्तों 2 to 3 decimal 42% के रिटर्न, यानी कि दोस्तों सेंसेक्स से 2 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना करीब इसने रिटर्न दिए हैं सेंसेक्स से ज़्यादा दोस्तों। तो इतना अच्छा इस कंपनी ने रिटर्न दिया है दोस्तों। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एफर्ट लगते हैं वीडियो बनने में, रिसर्च करने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, लाइक बटन को अभी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, इस कंपनी का नाम है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये कंपनी मेनली काम करती है दोस्तों फर्टिलाइजर के फील्ड में, यानी कि ये फर्टिलाइजर बनाती है दोस्तों, फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो कि सारे के सारे एग्रीकल्चरल फील्ड में मेनली यूज होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का थोड़ा सा डाटा हम रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के रिटर्न पास्ट में इसने दिए थे, और साथ ही साथ दोस्तों इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को स्टडी करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों 16,729 करोड़ रुपए का, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है, और इस कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी आगे जाने की इस कंपनी की उम्मीद है, जिस तरह से इसका बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, और जिस तरह के इसके प्रोडक्ट हैं। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों इसका 571 रुपये का, और 52 वीक का हाई इसने बनाया था 643 का, और लो बनाया था 336 का। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों आप, 643 के करीब ट्रेड कर रही है, जहाँ पे सारी की सारी कंपनियाँ 52 वीक के लो के करीब ट्रेड कर रही हैं, ये जो कंपनी है अपने 52 वीक के हाई के करीब ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन है दोस्तों। स्टॉक का पी देख लीजिए दोस्तों 17.77% का है, या 17.77 है दोस्तों, जो कि मेरा जो थ्रेशोल्ड है 25 का, वहाँ से बहुत ही नीचे है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 1.14% की, मेरा जो थ्रेशोल्ड है दोस्तों 1% का, उससे काफ़ी ऊपर है और काफ़ी बेटर मैं इसको मानता हूँ यहाँ पे। अब जो दो सबसे बेस्ट इंडिकेटर होते हैं किसी भी कंपनी के रिटर्न को जज करने के लिए, वो है दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 23.01% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों 23.66%, जो कि ऑलमोस्ट 23% के करीब है। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे ये इंडिकेशन है दोस्तों कंपनी का, काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी ने दिया है, यानी कि हर साल दोस्तों आपको ये लगभग 25% तक के रिटर्न देने की क्षमता रखती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और 5 सालों का एवरेज देख लेते हैं दोस्तों, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का 19.78% है। आप लोगों को पता है दोस्तों,
मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां पिछले 2 साल 2 या 3 सालों में लगातार गिरते रही हैं, उसके बावजूद दोस्तों इस कंपनी का 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज देखिए लगभग 20% के करीब है, और सेम दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 5 सालों का एवरेज भी 20% के करीब है। शेयर होल्डिंग में देख लीजिए दोस्तों, प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 62% है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है दोस्तों, जहाँ पे कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है किसी भी शेयर में, तो उस शेयर को मैं काफ़ी अट्रैक्टिव मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी कंपनी के अगर प्रोमोटर को ही उस कंपनी पे भरोसा है तभी वो ज़्यादा वहाँ पे शेयर होल्डिंग रखते हैं, अदरवाइज वहाँ से वो बेच के निकलते रहते हैं दोस्तों। अब जो एक चीज़ जो कि अदर वीडियोस में या अदर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी दोस्तों, वो है कंपनी का डेट। ये चीज़ें आप लोगों से बताई नहीं जाती, आप लोगों से छुपाई जाती हैं, ये मैं नहीं करता दोस्तों, मैं कंपनी के एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों के सामने रखता हूँ दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे होगा क्या कि आप लोगों तक हमारे चैनल के सारे अपडेट्स पहुँचते रहेंगे और हम लोगों को दोस्तों इंकरेजमेंट मिलेगा और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, कंपनी के ऊपर डेट है 1725 करोड़ रुपए का, और कंपनी के पास दोस्तों कैश इक्विवेलेंट है 147 करोड़ रुपए के लगभग। तो दोस्तों मिड कैप कंपनी ये है, लगभग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 17,000 करोड़ के करीब, तो इतना डेट दोस्तों मायने नहीं रखता। इसके भी सेल्स और रेवेन्यू वगैरह के बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उसके बारे में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब इसका दोस्तों 5 साल का चार्ट एक बार मैं आप लोगों के सामने लगाता हूँ और देखते हैं कि कितना अच्छा इसका जो ये है 5 सालों का चार्ट देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 5 साल पहले ये लगभग 230 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, और आज की डेट में ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों लगभग 550-600 के करीब दोस्तों, तो डबल से भी ज़्यादा इसने 5 सालों में रिटर्न दे दिए हैं दोस्तों, अगर ये फ्लैट रिटर्न हम काउंट करते हैं तो। इस तरह से अपने हाई तक तो इसने लगभग 3 गुना के रिटर्न दे दोस्तों, 900-619 पे ये यहाँ पे पहुंचा था, तो लगभग अपने शेयर होल्डर के पैसों को इसने 3 गुना यहाँ तक कर दिया था। अब ये तो रही दोस्तों बात इसके पास्ट परफॉर्मेंस की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपनी की सेल्स कैसी हैं, रेवेन्यू कहाँ से वो जनरेट कर रहा है, वहीं से हमें पता लग पाएगा कि क्या वो कंपनी आगे जाके अच्छा रिटर्न देगी। तो दोस्तों अभी आपको बताऊंगा मैं उसकी सेल्स के बारे में, लास्ट 4 सालों का या 3 सालों का डाटा देख लेते हैं, 4 सालों का देख लेते हैं। 2016 में इसका सेल्स अगर आप देखने को मिले दोस्तों, तो 2016 में वह है 11,481 करोड़ रुपए का, 2017 में 10,031 करोड़ रुपए का, 2018 में सेल्स हुई है दोस्तों टोटल 11,083 करोड़ रुपए की, और 2019 में हुई है दोस्तों 13,225 करोड़ रुपए की। अगर देखें दोस्तों तो ये धीरे धीरे इंक्रीज ही होता चला जा रहा है इसका जो सेल्स है, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 2016 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 767 करोड़ रुपए का, और 2017 में बढ़ के हो गया 983 करोड़ रुपए का, जो कि बढ़ के 2018 में हो गया दोस्तों 1,260 करोड़ रुपए का, और 2019 में ये बढ़ के हो गया 1,450 करोड़ रुपए का। अब ये देखिए दोस्तों कि पिछले 4 सालों से ग्रेजुअली इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बढ़ता चला जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है, और ऐसा माना जाता है कि जब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा ये खुद ही डिसीजन ले लेना होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तो उस कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप लोगों को डिविडेंड भी अच्छा वो कंपनी देगी दोस्तों। ईपीएस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ईपीएस किस तरह से रहा है इसका पिछले 4 सालों में। 2016 में रहा है दोस्तों 12.27 का, 17 में रहा है 16.35 का, और 17 में बढ़ के हो गया 23.64 रुपीज़, जो कि 2019 में बढ़ गया हो गया है 24.63 रुपीज़, यानी कि 24 रुपये के करीब हो गया। तो साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है इसका अर्निंग पर शेयर, ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसका रिजर्व्स और बोरिंग के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं, जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो उस कंपनी के आप रिजर्व और बोरोइंग भी चेक कर लें, क्योंकि इनसे आपको पता लगता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे अभी जो सितंबर 2019 का ये दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे रिजर्व इस कंपनी के पास थे सितंबर 2019 तक 3,771 करोड़ रुपए का, और बोरोइंग इसमें से थी मात्र 1,725 करोड़ की, तो यानी कि रिजर्व इस कंपनी के पास लगभग डबल है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, जिस कंपनी के पास रिजर्व अगर अच्छा हो, और सबसे बड़ा इंडिकेशन आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, जब रिजर्व में साल दर साल यहाँ पे बढ़ोतरी होती चली जा रही है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों 28, 28, 33, 37 इस तरह से साल दर साल इनका जो है रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है, और बोरोइंग देखिए जो साल दर साल कम होता चला जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है।
तो ये सारी चीजें मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी दोस्तों, इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा जो मैंने बताया किस तरह से पास्ट में इसने अच्छा रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर को, और फ्यूचर में भी दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी का नाम पहले भी बताया था, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर दोस्तों आप लोग इस मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये। और श्योरली दोस्तों प्रीवियस टाइम में भी, पास्ट में भी इस कंपनी ने मार्केट को बीट किया है, इंडेक्स को बीट किया है, और फ्यूचर में भी इंडेक्स को बीट करने की पूरी कैपेबिलिटी इस कंपनी में है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।